पैरा ओल्पिक विजेता तो मोदी इंटरेक्शन कर सकती इंट्रैक्शन क्योंकि इतनी कठिनाइयों के बाद और चलिए ट्रैक पर गाड़ी आई जिंदगी बनाई बीच में रुकावट आ गई और बीच में नई समस्या आई और फिर भी तु ने अपना मकसद नहीं छोड़ा ये बहुत बड़ी बात है बहुत बधाई हो आपको <laughs> नमस्ते सर मैं राजस्थान बीकानेर से आया हूँ श्याम सुंदर स्वामी नाम पैरा आर्चरी से हूँ सर हमारे बीकानेर में कन्नी सिंह राजा वो पाँच बार ओलंपिक खेल के आए थे हम देवेंद्र भैया से हम बहुत मतलब क्योंकि चालीस साल के बाद मैं एक टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके आया था तो भैया को देखा था कि भाई यह गेम होता है ऐसे तो मैं भी फिर पेरा माया में सर पहले एबल खेलता था 2016 में मेरे को पता चला कि भाई पेरा का भी कुछ है, है। क्योंकि भैया का अखबार में फोटो आया था बहुत बड़ा तो भैया से सीख के और फिर मैं 40 साल के बाद ओलंपिक पार्टिसिपेट करके आया था सर सर इस बार सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला खास करके जो मेरी कैटेगरी के गोल्ड के हैं नितेश कुमार जी इनसे सीखने को मिला सर पूरे लाइफ में जिनसे वो जीते एक बार भी उनसे मैच इससे पहले नहीं जीते थे और उनकी वजह से जबकि मैं उनको हरा चुका कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं जरूर उनको दोबारा हरा सकता हूं और इवन पूरे वर्ल्ड में सबको हरा सकता हूं थैंक यू सर मेरा नाम डॉक्टर सत्यपाल है और मैं पैरा एथलेटिक्स का कोच हूँ शाह पे कोई कोच होगा जो मेरे से पहले पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग करा रहा होगा मैंने 2005-6 में पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग कराना शुरू किया तो जब विचार नह... आया आपको यह? सर मैं नेहरू स्टेडियम में ट्रेनिंग कराने जाता था तो एक दो एथलीट्स वहां पे जिनकी लिम डिफिशेंसी थी वो आते थे तो मैंने उनको देखा पढ़ा फिर देवेंद्र जी के बारे में सुना कि उन्होंने 2004 थाउजेंड फोर में गोल्ड मेडल जीता था तब मैंने इसके बारे में स्टडी किया और मैंने स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा करना तो सभी कोचिस नेहरू स्टेडियम में मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखते थे कि मैं दीपा मलिक जी की चेयर को पुश करके जाता हूँ किसी एथलीट को ट्रेनिंग करा कर जाता हूँ धामा का हाथ पकड़ के उसको नेहरू स्टेडियम में घुमाता हूँ तो सोचते थे कि मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूं आज वही पैरा एथलीट्स वही कोचेज जो मुझे कि डिसाइड करते थे आज वो सब पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग कराना चाहते हैं ये मेरे दिल से बोल रहा हूं कि मैंने इस फील्ड में काम किया है मैं बहुत खुश हूं और आने वाले टाइम में मैं आपसे प्रोमिस करता हूँ ये ट्वेंटी नाइन नहीं मैं फिफ्टी के मेडल का यहाँ से प्रोमिस करके जाता हूँ कि मैं हम सब इतना काम करेंगे हम फिफ्टी मेडल लेते हैं थैंक यू सर देखिए साथियों ये बात सही है कि हर खेल में जो सपोर्ट स्टाफ होता है या कोचिंग करने वाले लोग होते हैं बहुत मेहनत करनी पड़े हर क्षेत्र में लेकिन दिव्यांगों के साथ काम करना उनको सिखाने से पहले खुद को उस जिंदगी को जीने के लिए मन से तैयार करना पड़ता है खुद को उस पोजिशन में रखना पड़ता है कौन सी उसकी दिक्कतें हैं उसको खुद के जीवन में आत्मसात करना पड़ता है तब जाके कह सकते हो वरना मैं तो रूटीन में कह दूंगा यार दौड़ो अरे वो कभी मैं नहीं दौड़ सकता वो कोच समझ सकता है ये नहीं दौड़ सकता उसके लिए तरीका ये होना चाहिए और इसलिए मैं मानता हूं कि जो पैरा एथलीट्स को जो ट्रेन करते हैं वो कोचिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत होती है और इसको बहुत कम लोग समझ पाएंगे मैं भली भांति समझता हूँ और मैंने कई बार जब फ़ोन पे भी सबसे बात करने का मौका